नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव पर। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। नुसरत ने यूपी के हाथरस की घटना से जुड़ी एनडीटीवी की रिपोर्ट, यौन शोषण केस के आरोपी ने पीड़िता के पिता की गोली मारकर हत्या, ट्वीट करते हुए सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी राज्य के लोगों की सुरक्षा को पश्चिम बंगाल के चुनाव से ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। अपने ट्वीट में नुसरत ने लिखा, शॉकिंग, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में जो भयावह स्थिति बनी है उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। योगी आदित्यनाथ इस परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकते? क्या बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? यह ट्वीट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बंगाल के मालदा में बीजेपी के प्रचार के पहले सामने आया। गौरतलब है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। योगी ने अपने भाषण में ममता बनर्जी पर आरोप की झड़ी लगाते हुए कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था खराब है और यहां अराजकता की स्थिति है। उन्होंने कहा, बंगाल में अराजकता का माहौल है, लोग इससे परेशान है। यहां सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर है। हम बंगाल में बदलाव को सुनिश्चित करना चाहते हैं। योगी के संबोधन पर प्रतिक्रिया में देर नहीं लगाते हुए तृणमूल नेताओं ने यूपी के सीएम के बयान को विडंबनापूर्ण बताया। कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम और सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने बीजेपी हटाओ बेटी बचाओ के हैशटैग के साथ हाथरस घटना के वीडियो ट्वीट किए। काकोली ने ट्वीट में लिखा, बीजेपी शासित राज्य बीजेपी में खौफनाक घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूपी के लोग कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बंगाल में हैं।